आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। शिखर सम्मेलन पुतिन के सहयोगी ने बताया। भारत में बीते 24 घंटे में आए कोरोना के 7,974 नए मामले, कल के मुकाबले 14.2% की बढ़त। विवाह के लिए महिलाओं की उम्र 18 से बढ़ाकर 31 वर्ष करने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी। उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम, अगले 3 दिन बारिश और बर्फबारी के आसार। चार दिन उत्तराखंड दौरे पर जाएंगे दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। नमस्कार प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड बुलेटिन की। कांग्रेस के शीर्ष नेता और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आज उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल फूकेंगे, जिनके देहरादून पहुंचने पर ज्वालापुर विधानसभा से कांग्रेस के दावेदारी कर रहे भूप सिंह अपने समर्थकों के साथ देहरादून के लिए रवाना हो चुके हैं। पार्टी ने राहुल की रैली के लिए दिन का चयन सोच विचार कर किया है। कांग्रेस सैन्य मतदाताओं में अपनी छवि सुधारने की कोशिश में जुटी हुई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बताया कि परेड मैदान में कांग्रेस की विजय सम्मान रैली की शुरुआत होगी और इस मौके पर उन पूर्व सैनिकों का सम्मान किया जाएगा जो 1971 के बांग्लादेश युद्ध में शामिल हुए थे। पूर्व सैनिकों और उनके स्वजन समेत करीब 60 व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा। रुड़की के नेहरू स्टेडियम पहुंचे चंद्रशेखर आजाद, जहां चंद्रशेखर का लोगों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ नारे लगाकर उनका स्वागत किया। हालांकि उन्होंने इस कार्यक्रम में अपने 3 विधानसभा प्रत्याशियों के चुनाव की घोषणा कर दी है, जो 2022 के विधानसभा चुनाव के केतली के निशान को लेकर चुनाव लड़ेंगे। इस दौरान खानपुर में शमीम साबरी के नाम की घोषणा हुई तो रुड़की के विधानसभा से गुलबहार और झबरेड़ा विधानसभा से जितेंद्र भागमल के नामों की चंद्रशेखर आजाद ने मंच से प्रत्याशी की घोषणा की। शुरुआत मुझे चंपावत में एक हत्या हुई और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, मैं तो वहां जाने के लिए आया था। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जब आ रहे हो आप तो फिर हम एक रैली भी कर लें। 2-3 प्रत्याशी इन्होंने आज कहा था वो डिक्लेयर किए गए, जैसे हम लोग झबरेड़ा पे लड़ा रहे हैं, झबरेड़ा के बाद रुड़की पे इससे प्रत्याशी डिक्लेयर किया, खानपुर पे बाकी सीटों पे जल्द प्रत्याशी डिक्लेयर किए जाएंगे। चंपावत के देवीधुरा मार्केट में कोरोना जांच तेजी से शुरू कर दी गई है, जिससे 70 लोगों को आरटीपीसीआर जांच से गुजरना पड़ा और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देवीधुरा में वैक्सीनेशन भी किया गया। कोरोना के फिर से प्रदेश में दस्तक देने से अब स्वास्थ्य विभाग सतर्क नजर आ रहा है। आज देवीधुरा मार्केट प्लेस में हमने सैंपलिंग की है हमारे MMIC के गाइडेंस में, जिसमें लगभग अभी 70 लोगों का RT-PCR हमने किया है। साथ में ही हमने वैक्सीनेशन का प्रोसेस भी साथ साथ ही चल रहा है और अभी और भी आते हैं। राज्य सरकार की ओर से संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का पूरा लाभ पात्र लोगों को पारदर्शिता के साथ दिया जाए, इसके लिए उत्तराखंड अन्य पिछड़ा जाति आयोग की अध्यक्षा डॉक्टर कल्पना सैनी ने किया। संविधान में समाज के पिछड़े वर्ग के लिए विशेष सुविधा एवं आरक्षण प्रदान किए गए हैं, ताकि इन जाति एवं वर्गों का बहुमुखी विकास एवं जीवन स्तर पर अन्य वर्गों के समान हो सके। आगे उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रयास है कि OBC समाज को केंद्र और राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही सभी कल्याणकारी योजनाओं का 100% लाभ मिले। उन्होंने विभागों को आपसी समन्वय बनाकर प्लानिंग के साथ कार्य करने के निर्देश दिए हैं।
उत्तर भारत के सबसे बड़े वेंडिंग जोन का उद्घाटन महापौर अनीता मुमगाई ने किया। इस मौके पर महापौर अनीता मुमगाई ने कहा कि नगर निगम के लिए ये गर्व की बात है कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा और विकसित वेंडिंग जोन गढ़वाल के मुख्य द्वार ऋषिकेश में स्थापित किया गया है। इस योजना के जरिए सैकड़ों स्ट्रीट वेंडर्स लाभान्वित होंगे। योजना के तहत करीब 250 वेंडरों को तमाम आवश्यक सुविधाओं के साथ बिजली, पानी, शौचालय और सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरों के साथ गार्ड की भी व्यवस्था मुहैया कराई गई है। हमारे लिए ये बड़ा हर्ष का विषय है कि संयुक्त बस अड्डे में आईएसबी पे आज हमने उत्तर भारत का सबसे बड़ा वेंडिंग बाजार का आज यहाँ पर उद्घाटन किया है और एक ही स्थान से इतना बड़ा वेंडिंग जोन, इतने बड़े मार्केट, एक ही जगह पे 250 परिवारों को जो रोजगार देने का काम किया। इसके लिए मैं अपने नगर निगम के समस्त पार्षदों को, समस्त अधिकारियों को, कर्मचारियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ। हरिद्वार के जगजीतपुर निवासी एक महिला ने बहादुराबाद के गढ़मीरपुर के एक इंटर कॉलेज मालिक पर उनके दस्तावेज लगाकर प्रबंधक सरकार के अनुदान लेने का आरोप लगाया है, जबकि उस समय अन्य महिला प्रबंधक तैनात थी, जिसके बाद महिला ने जिलाधिकारी कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना देने की बात कही है। महिला का कहना है कि जिस प्रकरण में वो सम्मिलित नहीं रही और उसमें उन्हें जेल तक जाना पड़ा, अब उनकी बेगुनाही साबित करने के लिए जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाएंगे। शिकायतकर्ता महिला का आरोप है कि सीएम के आदेश के बावजूद भी शिक्षा मंत्री ने उस फाइल को दबा के रखा हुआ है। कई बार शिक्षा मंत्री कार्यालय के चक्कर लगाकर और शिक्षा मंत्री से मिलने के बावजूद भी उस फाइल का निस्तारीकरण नहीं किया गया है। आर अम्बेडकर स्कूल की फाइल जो शिक्षा मंत्री के पास है उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे शिक्षा मंत्री। अगर शिक्षा मंत्री उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो मैं अनशन पर बैठूंगी और आत्महत्या भी कर सकती हूं, क्योंकि मेरा इस बहुत शोषण हो रहा है इसमें। इंटर कॉलेज गढ़मीरपुर हरिद्वार, जो हरिद्वार में स्थित है, श्रीमती रेखा ने शिकायत की थी माननीय शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री को और शिक्षा सचिव को कि इस विद्यालय का जो अनुदान दिया गया है वो इनको फर्जी प्रबंधक दर्शा कर दिया गया है। इनकी शिकायत पर मुख्य शिक्षा सचिव ने आदेश किए कि इसकी विभागीय जाँच हो। विभागीय जाँच के बाद ये पाया गया कि श्रीमती रेखा की शिकायत बिल्कुल सही थी और उस विद्यालय का जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इंटर कॉलेज है उसका अनुदान रोक दिया गया और उस विद्यालय के पूर्ण अनुदान समाप्त करने के लिए पत्रावली चलाई गई, जिस पर माननीय शिक्षा मंत्री ने अनुमोदन दिया। उसके बाद फाइल मुख्यमंत्री के यहाँ गई। केंद्रीय विद्यालय के 59वें स्थापना दिवस पर गोपेश्वर केंद्रीय विद्यालय के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। इस अवसर पर केंद्रीय विद्यालय गोपेश्वर में छात्र छात्राओं, विद्यालय प्रशासन, शिक्षकों और अभिभावकों में उत्साह का माहौल दिखा। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महाविद्यालय गोपेश्वर के प्रिंसिपल और महाविद्यालय के शिक्षा संकाय के प्रोफेसर डॉक्टर अखिलेश कुकरेती रहे। इस मौके पर केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल डॉक्टर सचिन कुमार राठौड़ ने केंद्रीय विद्यालय गोपेश्वर के शिक्षक और शैक्षणिक उपलब्धियों की जानकारी दी। ताजा पश्चिमी विक्षोभ के हिमालयी क्षेत्र में पहुंचने से उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। कई इलाकों में बादल मंडराने लगे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आज से प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बारिश हो सकती है, जबकि पर्वतीय इलाकों में बारिश के साथ ही 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। इससे प्रदेश भर में तापमान में गिरावट आने के कारण कड़ाके की ठंड पड़ने के भी आसार है। पिछले कई दिनों से शुष्क मौसम के बीच प्रदेश में अधिकतम सामान्य के करीब बना हुआ है। हालांकि सुबह और शाम को ठिठुरन बढ़ गई है। पहाड़ों में पाला आमजन की दुश्वारियां बढ़ा रहा है। वहीं हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल जिले के मैदानी इलाकों में हल्का कोहरा छाने लगा है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस